हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लास में। प्यार फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। बच्चों को ये टॉपिक इतना मज़ेदार तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भूल नहीं पाओगे इसको। जैसे बचपन में ना दादी जी आपको सुनाती थी, एक राजा था, उसकी 100 बीवियाँ थी और उसके 500 बच्चे थे, तो वही वाली फीलिंग जो उस समय मजा आता था उसी तरीके से फीलिंग आज आपको आएगी फिजिक्स में आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने में। ठीक है, तो इतनी मज़ेदार तरीके से आपको आज पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिजिक्स है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो। तो मेरे चांद सितारों, बहुत मज़ा आएगा आज के इस वीडियो में, और मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस है। ठीक है, तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों ध्यान से देखो। ठीक है, आपकी निगाहें इधर होनी चाहिए। तो देखो, हमारा टॉपिक है आज आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ही नहीं जानोगे तो ये क्या, तब तो ये आपको रटना पड़ेगा ना, तभी आपको लगती है कि फिजिक्स इतनी हार्ड है। लेकिन नहीं, आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है फिजिक्स। देखो, पहले पूरा एक कहानी की तरीके से सुनो, कोई रटना वटना कुछ नहीं है, बस कहानी की तरीके से समझो। मेरे चांद सितारों, आप एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसे ढांचे को वैद्युत द्विध्रुव कहोगे। कैसे ढांचे को, देखो इसमें क्या होता है कि आप बिंदु आवेश लेंगे, दो बिंदु आवेश। ठीक है, एक मान लो ये हो गया आपका और एक यहां से ये हो गया। ठीक है, हमारा दो बिंदु आवेश है, मान लो ए और बी। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसमें दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन चिन्ह उनका विपरीत होता है, अपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, मतलब एक आपका माइनस क्यू चार्ज है तो आपका एक प्लस क्यू चार्ज है। इतनी बात समझ में आई। और क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए कि इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, मान लो वो दूरी है आपकी 2L, बहुत कम। आप कई बुक में देखोगे यहाँ पे दूरी ले रखे हैं 2A, कोई 2K पढ़ा देता है, तो वो आपके ऊपर है, जो समझो। हमें 2L अच्छा लगा, हम 2L बता रहे हैं आपको। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कुछ रटना नहीं है प्यारे। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो समान परिमाण के, किंतु दो समान परिमाण के, ये आप इनका जो मैग्नीट्यूड है वो समान है किंतु ये विपरीत हैं, इनके जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं, अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, एक ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, 2L की डिस्टेंस पर है। तो इस प्रकार के ढांचे को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। मेरे चांद सितारों, फिर देखो एक थोड़ा सा मजा हो जाए। देखो, मान लो ये हो आप, ये कौन है, आप हो, एकदम हीरो लागत हो भाई, कान वान बढ़िया से बना दें, हेयर स्टाइल स्टाइल आपकी जैसा बढ़िया, ये आप हो, कितना हैंडसम लग रहे हो यार। और ये मान लो ये बताओ कौन है, अगर वो आप हो तो ये कौन है, ये कौन है, ये कोई अनजान पंछी पापा की परी होगी।
ठीक है, ये आप हो, ये कोई पापा की परी है, ठीक है। तो मान लो कि आप ये माइनस क्यू चार्ज के हो, आप तो माइनस में ही रहते हो ना, और ये भैया पापा की परी प्लस चार्ज की हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से मान लो 2L की दूरी पर हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ना दोनों, इन इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। मतलब इनका जो आपका मैग्नीट्यूड, इन दोनों लोगों का परिमाण तो समान है, किंतु ये विपरीत चार्ज के हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, 2L है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। मेरे चांद सितारों, बताओ मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता मेरे चांद सितारों, बस वैद्युत द्विध्रुव में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए, और साइन हमारे अपोजिट होने चाहिए, जो हमने बिंदु आवेश ले रखा है वो विपरीत चार्ज के होने चाहिए, और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को आज के बाद आप लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, और अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्लियर है आपको, तो अगर ये क्लियर है तो अब आपको बहुत ही मजा आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने में बच्चा। तो देखो यही तो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका क्या है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। देखो ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, ये दो आपके बिंदु आवेश हैं ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 2L। तो ये जो ढांचा दिख रहा है, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं अपनी निगाहों से, अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, ये क्या है मेरे चांद सितारों, ये वैद्युत द्विध्रुव है। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चा। अब हम बात करेंगे अपनी आज के इस टॉपिक की, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो मेरे चांद सितारों देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रटना नहीं है आपको। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें आपके दो चार्ज होते हैं, ये तो आपको पता है, दो बिंदु आवेश होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। मेरे चांद सितारों बताओ कुछ पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा कोई बात नहीं, फिर से सुन जाओ। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, और यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब एक लाइन आपको बढ़ानी है, और वो लाइन क्या होगी, इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनता है यहां से, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, ये बात तो आपको पता चली, मतलब और प्रदर्शित किससे करते हैं, पी से। तो मतलब आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसमें किसी एक आवेश, आपको ये आवेश उठा लो, मान लो क्यू आवेश हमने लिया, किसी एक आवेश का परिमाण हमने क्यू लिया, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2L, तो इनका एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, पी के इक्वल होगा, और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसी को आप लोग क्या कहोगे आज के बाद, इसी को आज के बाद आप लोग कहोगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम मात्रक की बात करें तो क्या होगा, मात्रक यूनिट
तो देखो रटना नहीं है कुछ, रटना मना है यहाँ पे। तो देखो मात्रक कैसे निकलेगा, हमारे पास फार्मूला है पी इक्वल टू क्यू और इंटू में टू एल। तो क्यू क्या होता है, आपका आवेश होता है, होता है कि नहीं होता, जी चार्ज है ना। अब देखो अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम और ये यल टू यल क्या है, तो टू का मारो गोली, टू से कोई मतलब नहीं। यल क्या है आपकी लंबाई, दूरी ही तो है ना दोनों के बीच की, है तो लंबाई। मतलब अगर लंबाई को जानते हो आप लोग कि लंबाई की भैया क्या होता है मात्रक, लंबाई का मीटर होता है ना, तो कूलाम मीटर। तो मात्रक क्या होता है भैया, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसके हम बीमा की बात कर लें, डायमेंशन क्या होगी। तो भैया सुनो, आपको रटना कुछ नहीं है, फिर से कह रहा हूं, रटना मना है भैया, रटना मना है। क्यू P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, मतलब यहाँ पर Q क्या है, Q है आपका आवेश चार्ज। और आप जानते हैं कि Q बराबर आई टी होता है कि नहीं होता है, I क्या है आपका, यहाँ पर करंट है धारा, और धारा का बीमा भैया आप लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है ना A। और T क्या है, समय होता है मेरे चांद सितारों, और समय की बीमा T, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा, at होगा, कैसे होगा, q बराबर it, आपके पास फार्मूला है। तो वहां से i क्या है आपकी करंट धारा, और धारा का मात्रक भैया एम्पियर होता है ना, और मतलब आपका जो i है इसकी डायमेंशन आपको पता है a, समय, समय का आप लोग t लिखते हैं बीमा। तो q की बीमा क्या होगी, at, आप लोग इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं at, ठीक है। और यल, यल क्या है, लंबाई, और लंबाई की बीमा भैया क्या होती है, लंबाई को कैसे लिखते हो, यल से लिखते हो ना, तो ये आपका हो गया। तो अब यहां से देखो कैसे बनेगी इसकी बीमा, ए लिखने का तरीका क्या होता है बीमा, एम एल टी ए, ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका। तो यम तो है नहीं, यल है, तो यल पहले लिख लो, और क्या नहीं है भैया, यल के बाद टी, टी भी है तो टी को भी लिख लो, ए, ए भी है तो ए को भी लिख लो, और ये बड़े बड़े कट में कर लो इसको बंद, ठीक है। तो ये आपकी बीमा हो गई किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इतनी बात क्लियर है मेरे चांद सितारों, इसको हटा दें, चलो इसको हटा दो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश की परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से हमें फार्मूला मिलता है पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपके सामने निकला है कूलाम मीटर होता है। बीमा इसकी कैसे निकाली जाती है आपको मैंने सिखाया है, रटने के लिए नहीं बोला है, एल टी ए होती है, ठीक है। आप यहां पर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं बीमा ऐसे भी लिखी मिलेगी क्या, एम जीरो एल वन टी वन ए वन, ऐसे भी आपको मिलेगी, बस आपको पता होना चाहिए भैया, और चाहे जैसे घुमा के लिखो, 360 डिग्री कोण होता है, जैसे मन हो वैसे घुमाओ बच्चा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आज इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो प्यारे तो ले सकते हो, ले लिया, चलिए। तो मेरे चांद सितारों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो बस आपसे बस एक लाइक का उम्मीद रहता है, और आपके इस लाइक से हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता, बस जैसे फ़ोन चार्ज करते हो ना, बैटरी को जब चार्ज करोगे तभी फ़ोन चलेगा ना, तो सेम उसी तरीके से हम लोग चार्ज होते हैं, आप जब एक लाइक करते हो ना तो हमारी वो आपकी एक लाइक हम लोग की चार्जिंग की तरीके काम करता है, ठीक है। और अगर वीडियो भैया मजा आया हो भैया वीडियो को में तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई,
और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कोई अगर जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक में, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, जो भी टॉपिक आपको लगता हो बहुत हार्ड है, कमेंट करना, मैं उस पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आऊँगा और ऐसे ही कहानी की तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा और ऐसे ही आपको मज़ा आता रहेगा हमेशा। तो बाय बाय, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में।